डीडी फिडिस की ई ऑक्शन को लेकर बात करने जा रहा हूं। डीडी फिडिस की 79th ई ऑक्शन एमपीजी 2 के लिए होनी थी दोस्तों 16 जुलाई को। किसी भी ब्रॉडकास्टर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसी वजह से उस ई ऑक्शन को पोस्टपोन करना पड़ा और अब वो ई ऑक्शन 24 जुलाई को ही होगी। और आप लोगों को अगर पता होगा तो 24 जुलाई को ही दोस्तों डीडी फिडिस की 18th ई ऑक्शन भी होनी है, जो कि एमपीजी 4 के लिए भी होने जा रही है। तो ये दोनों की दो ई ऑक्शन अब जो है एक ही दिन होंगी और देखते हैं दोस्तों कल क्या होगा। कल है 24 जुलाई, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को याद दिलाने आया हूँ, जो जानकारी देने आया हूँ, वो ये है कि 23 जुलाई अभी तक जितने भी ब्रॉडकास्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना था वो दोपहर 3 बजे तक कर चुके हैं भाई। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन अब नहीं ली जाएगी। अब देखा जाएगा कल दोपहर 12 बजे के बाद कि किस किस ब्रॉडकास्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है। 16 जुलाई को ई ऑक्शन फेल्ड रही और मेन रीज़न दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि जो प्राइजेज हैं काफ़ी हाई रखे हैं, जो बिड प्राइस रखे गए हैं लगभग, अगर हम सबसे छोटे से छोटा बकेट R1 सबसे लास्ट वाला भी है वहां पर भी आपको 10 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू चुकानी होगी, तब जाकर आपको डीडी फ्रिज पर स्लॉट मिलने वाला है एमपीजी 2 में। तो इसी वजह से 16 जुलाई को जो ई ऑक्शन हुई वो पोस्टपोन हुई, फेल्ड हुई, और इसी वजह से प्रसार भारती ने एक चांस और लिया कि चलिए पोस्टपोन करके देख लेते हैं कि शायद 24 जुलाई को कोई ब्रॉडकास्टर यहां पर पार्टिसिपेट कर जाए। लेकिन चांसेस बेहाल हैं भाई, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है ई ऑक्शन में। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या रहता है। एमपीजी 4 में तो चलिए पिछली बार स्लॉट वॉन ही कर लिया था, लेकिन एमपीजी 2 में पिछली बार भी फेल रही थी दोस्तों, और इस बार भी 16 जुलाई को फेल्ड हो चुकी है। 24 जुलाई को देखते हैं क्या होता है। बाकी जो एक और अपडेट है, जहां पर इन्फॉर्मेशन थी कि एमपीजी 2 की ई ऑक्शन 2 स्लॉट्स के लिए हो सकती है, लेकिन नहीं भाई, वो ई ऑक्शन 1 स्लॉट के लिए ही होगी, क्योंकि जो इंडिया डेली लाइव जो कि LCA नंबर 59 पर अवेलेबल था वो फिर से री ऐड कर दिया गया है डीडी फ्रिज पर, फिर से ऐड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने डीडी फ्रिज पर इस चैनल को नहीं देखा है तो अभी जाकर चेक कर सकते हैं, ये चैनल वापसी कर चुका है और फिर से प्रॉपरली वर्क कर रहा है डीडी फ्रिज पर। तो मतलब इंडिया डेली लाइव का स्लॉट वापस आ चुका है। तो जो अभी एक स्लॉट खाली है RT टुडे का, जो LCA नंबर 94 पर है, उसी के लिए ई ऑक्शन होगी। देखते हैं दोस्तों क्या रहता है कल ई ऑक्शन में। इसके अपडेट भी आप लोगों को मेरे चैनल के द्वारा जोड़ दी जाएगी। अपडेट अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ऐसे अपडेट्स लेते रहने। धन्यवाद।